अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक हैं? आज हम बनाएंगे आलू और उबले हुए अंडे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। व्यूवर्स, 3-4 टेबल स्पून ये घी के हैं ये डालने लगे हैं। घी जब गर्म हो जाए तो 2 अदद ये प्याज हैं बड़े वाले ये डालने हैं। प्याजों को लाइट ब्राउन करना है। फिर ये हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें 2 अदर टमाटर डालेंगे। 3-4 चम्मच मिर्ची हैं ये डाल देंगे। ये एक टमाटर ऐसा ही साबुत रखा है ताकि हम इसके छिलके इजीली उतार सकें। दो टीस्पून ये नमक के हैं ये डालने हैं। उसके बाद 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है ये डालना है। उसके बाद ये 1 टीस्पून रेड चिली है ये डालनी है। उसके बाद हल्दी है ये डालनी है, ये भी 1 टीस्पून है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट है ये भी 1 टीस्पून है। अब हम मसाले को अच्छी तरह भून रहे हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें हमारा मसाला तैयार है। ये घी लैदा हो चुका है, अब हम इसमें आलू डालने लगे हैं ये 1/2 किलो हैं। इनको अब हमने अच्छी तरह से भूनना है। व्यूअर्स, ये हमारे आलू भून चुके हैं, अब हम इसमें 3 ग्लास पानी डालने लगे हैं ये देखें। तो 15 मिनट तक इसकी गलावट हो जाएगी हल्की आंच पे। व्यूअर्स, ये देखें हमारे आलू गल चुके हैं, अब हम इसमें इनमें अंडे डालने लगे हैं। ये देखें अंडे हैं, ये 4 अदद अंडे हैं। 2 हमने डेकोरेट के लिए रखे हैं, ये कुल 6 अंडे थे। अब हम इसमें धनिया डालने लगे हैं। उसके बाद इसकी डेकोरेट के लिए थोड़ा सा गरम मसाला डालने लगे हैं। अब हम आपको बोल में डाल के दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारे उबले हुए आलू और अंडे तैयार हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।